जी वेस वेल्कम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सुसाइड पे, खुदकुशी पे। अच्छा यहाँ मैं डॉक्टर साहिबा से पूछूंगी, डॉक्टर साहिबा हमारे माशरे में खुदकुशी, मतलब पाकिस्तान में आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली, खुदकुशी का रेशो बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल क्या रीज़न है? देखिए हमारे माशरे में स्पेशली पाकिस्तान में खुदकुशी होती है, ठीक है, लेकिन वो विटनेस नहीं की जाती, उसका रिकॉर्ड नहीं होता। ये नहीं है कि रेट बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है, ये कह सकते हैं कि लोग अब इसको रिकॉर्ड करने लगे हैं। और ये पूरी दुनिया में है, ये WHO की स्टडी है कि बाय 2020 सुसाइड विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अगर इस वक्त कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से जी अगर हार्ट अटैक की वजह से इस वक्त डेथ्स हो रही हैं, तो 2020 में सुसाइड की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होंगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है वो है डिप्रेशन। मेनली जो सुसाइड्स होती हैं ये डिजीज़ की वजह से होती हैं, विच इज़ डिप्रेशन। और डिप्रेशन की अपनी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक जैसे होपलेसनेस है और मायूसी है ज़िंदगी से, आपकी जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी से वो ख़त्म हो जाती है, या आप अनएम्प्लॉयड होते हैं, या पॉवर्टी है, इसकी बेशुमार रीजंस हैं। ओके ठीक है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में अगर आप कहती हैं तो पाकिस्तान में होती हैं ये चीज़ें, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं उस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी इस पर और बात करते हैं। कॉल हमारे साथ मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नाराज मत होइएगा। हैट्रिक हो गई यूसुफ साहब आज तो। आज तो मेरा जो आपका आखिरी टॉपिक है ना, उसमें भी बहुत कुछ कहने का दिल चाह रहा, बशर्ते कि मुझे कॉल मिल गई। मिल गई ना, फैशन डिजाइनर के बारे में। अच्छा, उसमें बड़ा बेहतरीन सवाल है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ और प्रोफेसर साहब जो हमारे मुफ्ती साहब हैं उनसे भी अर्ज करना चाहता हूँ, निहायत अदब और एहतराम के साथ, कि जैसे आपने अभी फरमाया कि भाई हजे बदल करा दें, तो अल्लाह ताला ने जब एक आदमी पे हज फर्ज ही नहीं किया है तो क्यों कराया जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे हुकूकुल इबाद पे जोर दिया है, तो हम पहले उसी पैसे को अगर हम लोग खुदकुशियां जैसे आपने बात की कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और चीजें हो रही हैं, तो उन पर खर्च करें। हज एक दफा फर्ज आपने कर लिया। अच्छा दूसरा ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आती, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, दे सकते, लेकिन इससे ज्यादा करप्ट मामला हमारे माशरे में मौजूद है। अच्छा दूसरा, हजे बदल करवाना जो है, जब एक आदमी माजूर है, उसकी सेहत साथ नहीं दे रही, उस पर तो हज फर्ज ही नहीं है, तो वो हजे बदल क्यों कराए, एक बात। आया उस पर फर्ज है या नहीं है, जब उसकी सेहत इस काबिल नहीं है तो उस पर फर्ज ही नहीं है, एक तो ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सुसाइड के केस होते हैं, इन्होंने फरमाया कि ये जो है केसेस जो है ज्यादातर मतलब साइकिक वजह से या दिमागी हार्मोन की वजह से या कोई साइकोलॉजिकल वजह से होते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ एक चीज बहुत ज्यादा देखने में आती है जो बाहर मुल्कों में देखने में नहीं आती, बच्चा उसको खिलौना ना दिला सका, बाप बच्चे ने खुदकुशी कर ली, फंदा डाल लिया, बच्चा है उसका बाप उसको कोई चीज नहीं दिला सका, उसने खुदकुशी कर ली, इम्तहान में फेल हो गया, उसने खुदकुशी कर ली, तो उसके क्या फैक्टर होते हैं, ये इस पे जरा सा थोड़ा रोशनी डालें। ठीक है बिल्कुल बात करते हैं, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब। अच्छा जी यूसुफ साहब का पहला सवाल सर आप बताइए कि क्या ऐसे इंसान पे आज फर्ज है जो मुस्तहिक है और मतलब इन सेंस वो अफोर्ड नहीं कर सक रहा है बिल्कुल भी हज करना? हमने तो शुरू में ही ये बात कही कि फर्ज नहीं है मगर ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल। तो आप उसको इस तरह वो कह रहे हैं कि और किसी और रीजन को स्पेंड कर दें, लेकिन आप फिर उसको इस रीजन से स्पेंड ना करें, मतलब और बहुत ज्यादा हमारे माशरे में बुराई है, उनको स्पेंड कर दें। देखें बात ये कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, जब अल्लाह ताला ने पैसा खर्च करने की 10 जगह बताई हैं तो हम वो 10 की 10 बताएंगे। अब ये तो खर्च करने वाले को देखना है कि उसके लिए कौन सी चीज ज्यादा कीमती है। किसी को खुशी देना ये इंडिविजुअल बहुत कीमती है, लेकिन इस खुशी चीज हुकूकुल बाद में आई, बिल्कुल वो हुकूकुल बाद में ही आती है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, किसी की शादी करा दी, किसी को एडमिशन दिला दिया। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ इस माशरे में कि अपने बच्चों को, मैं एक नवाही इलाके में, एक मजाफाती इलाके में देखता हूँ कि छोटे बच्चों को लोग स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, वो अपना पेट काट के बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे होते हैं।
तो किसी को, किसी की एजुकेशन का कोई इंतज़ाम कर देना, किसी की, ये भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन ऑप्शन है उसके सामने। अब ये तो वो उसने फैसला करना है, खर्च करने वाले ने, कि उसके लिए ज़्यादा कीमती कौन सी बात बनेगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और वो वाकई, क्योंकि मेरे ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतनी फैनेटिक उनकी अप्रोच हो जाती है कि दे वांटेड, उनको हज पे जाना है बट दे कांट अफोर्ड, तब उनको ये खुशी दे सकते हैं ताकि दे कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। ये सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये तो हर बंदे का खर्च करने वाले की मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं, आप किधर स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो छोटे छोटे रीजंस उन्होंने बताए, टेस्ट में फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, अम्मी अब्बू से डांट पड़ गई, ये सारे रीजन बच्चे स्पेशली इतने इमोशनल होते हैं कि वो इन चीजों पे इस तरह के अटेम्प्ट्स कर लेते हैं। अक्सर बच्चों के आपको हाथ कटे हुए मिलेंगे। एक चीज होती है सुसाइड, और एक होती है पैरा सुसाइड या डेलिबरेट सेल्फ हार्म। Deliberate self-harm. तो ये दो चीजें हैं जो कि डिफरेंट है और हम दोनों को मिला रहे हैं। अगर ये पूरा हो गया तो अगर ये पूरा हो गया तो सुसाइड हो जाएगी। सुसाइड की तो जो रीजन, जो उसके अंदर इंटेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इंटेंट इज टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन डेलिबरेट सेल्फ हार्म के अंदर इंटेंशन जो है वो मरने की अमूमन नहीं होती। अमूमन ये होती है कि मुझे कोई मैन्युपुलेशन करनी होती है या सिंपथीज गेन करनी होती है या अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है या खुद कोई गिल्ट होता है किसी किस्म का, उसको दूर करने के लिए लोग ये जो लैसरेशंस करते हैं या रिस्ट कटिंग करते हैं, अपने आप को तकलीफ पहुंचा के खुद सुकून महसूस करते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती उनसे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं होता, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। तो ये डिफरेंट रीजंस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, अपनी जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तब कर लेते हैं। इसमें चांस होता है कि वो जो अटेम्प्ट वो कर रहे हैं और उनको उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं हो रहा। जैसे लोग पैरासिटामोल को बहुत आम सी चीज़ समझते हैं कि खा लो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन तो कुछ नहीं करेगी लेकिन लिवर डैमेज कर देगी और उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। तो अनइंटेंशनली वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड। तो इंटेंशंस का दोनों चीज़ों में फर्क होता है। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो लोग जो जानबूझ के, उनको पता है कि स्मोकिंग कैन लीड टू दिस, उनको पता है कि गुटखा पान ये सब चीजें किस तरफ लीड करेंगी, छालियां किस तरफ लीड करेंगी, उनको पता है कि ये सब चीजें उनको मौत के करीब लेके जा रही हैं, मौत तक लेके जा रही हैं, बट दे आर हैविंग इट इंटेंशनली अपनी खुशी से, अपने पैसों से खरीद खरीद के। ये भी सुसाइड की एक फॉर्म है। देखिए इस तरह तो फिर आप अगर तो सोचने लग जाए तो ये चीज़ कहीं और चली जाएगी, बहुत टॉपिक जो है वो वास्ट हो जाएगा कि इस तरह तो हमें जो कुछ करना चाहिए हम नहीं करें तो हमें पता है कि हम जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो ऐसी बात हो गई ना। लेकिन आप स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली सुसाइड और पैरा सुसाइड को ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये पैरा सुसाइड में आ गया आपको ये कंटिन्यू करना चाहूंगी बात जवाब इसका, कि जो बच्चे या जवान अमूमन डेलिबरेट सेल्फ हार्म जो है वो यंग लड़कियां या लड़के कर रहे होते हैं, जब नशे भी कर रहे होते हैं, वो इश्क में नाकामी की वजह से कर रहे होते हैं, इम्तिहान में फेल होने की वजह से कर रहे होते हैं, या बच्चों को उनकी पसंदीदा चीज ना मिले तो कर रहे होते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, जब जिन लोगों में हो रही होती है उनको हेल्प की जरूरत होती है, दे नीड हेल्प। तो बात यह है कि कोई ना कोई मसला हो रहा होता है, उनसे हल नहीं हो रहे होते मसले, या उनकी पेरेंटिंग में कोई इश्यूज होते हैं, उनको उस तरह बचपन से हर बात मानने की आदत डाली हुई होती है, वो उनकी हर बात पूरी की जाती है, जब जिंदगी में कोई चीज़ नहीं मिलती तो समझ नहीं आती क्या करना है। तो ये